हेलो एवरीवन टुडे वी हैव आशुतोष दरेकर विदर्स एंड ही हैज़ टू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लीड स्क्वायर ही इज करेंटली वर्किंग इन लीड स्क्वायर एंड आज लाइक like, हम आशुतोष भाई से जानेंगे कैसे लाइक like, उन्होंने बीए को एज ए करियर स्टार्ट किया बिकॉज uh, मैंने जितने भी बीएस को जितना भी अपना देखा है उन लोगों ने काफ़ी लेट लाइक uh, like, या तो ट्रांजिशन किया है या फिर लाइक uh, like, uh, मैंने कभी तक किसी से मिला नहीं हो जिसने लाइक एज ए करियर ही बी एस स्टार्ट किया हो

या फिर कैसे मैंने बी ए का स्टार्ट किया उसके बारे में अभी बताता हूँ थोड़ा सो so, जब भी मैं ट्वेंटी ट्वेंटी पास आउट हूँ सो मेरे को दो साल का एक्सपीरियंस है सो आफ्टर गेटिंग पास आउट फ्रॉम कॉलेज मैं को डिरेक्टली सी आर एम नेक्स्ट विच इज अ प्रोडक्ट कंपनी वहां से ऑफर मिला था एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर अभी लीड स्क्वायेर में काम कर रहा हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट सो ऐसे करके मुझे स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड जैसे कि शैलेश जी ने बताया कि जनरली आफ्टर सर्टन एक्सपीरियंस आपको बिजनेस एनालिस्ट का रोल मिलता है सो दैट इज द ट्रू केस एंड दैट इज ट्रू केस विद सर्विस बेस्ड कंपनीज सो अगर आपको स्टार्टिंग से ही स्क्रैच से ही अगर आपको BA बनना है तो यू शुड टारगेट या फिर प्रोडक्ट कंपनीज अगर आप प्रोडक्ट कंपनीज और स्टार्टअप को टारगेट करोगे कर तो डेफिनेटली आपको एज अ बी ए भी स्टार्ट करने का मौका मिलेगा जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन गेटिंग द स्किल सेट डन आपको पहले स्किल सेट आने चाहिए सारे जो भी रिक्वायर्ड है जिसके बारे में हम लोग डेफिनेटली अभी आगे बात करेंगे एंड आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है एंड uh, कैसे लाइक like, आपने लाइक uh, like, uh, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की या फिर आपको लाइक बाय चांस यू लैंड अप इन भी है सो मैंने जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड background... की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैंने बीटेक किया है जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया इंजीनियरिंग करते हैं तो मैंने भी इंजीनियरिंग करी मैंने आईटी में से इंजीनियरिंग करी थी और आईटी में से इंजीनियरिंग करी उसके बाद में सारे आईटी वाले बंदे कोडर बनते हैं बट मुझे कोडिंग का भी पता चली नहीं ज्यादा और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था सो so, मुझे कुछ तो हटके करना था अभी हम लोग जब भी डिग्री करते हैं तो जनरली लोगों के मन में रहता है कि अगर आईटी में से डिग्री करिए तो कोडिंग ही करना पड़ेगा सबको रहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यही रोल्स रहते हैं आईटी टी में विच इज नॉट ट्रू इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ बहुत सारे ऐसे रोल्स है जिनमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती और उसमें अच्छी सैलरी अच्छी ग्रोथ भी मिलती है वन ऑफ देम इज बिजनेस एनालिस्ट तो मुझे वो रोल के बारे में एक्चुअली बाई लक ही बोल सकते हैं कि सीआरएम नेक्स्ट ने मुझे अप्रोच किया था या नहीं तो मेरा प्लेसमेंट तो ऑलरेडी दो तीन कंपनीज में हुआ था जिसमें मुझे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला रोल मिल रहा था बट सी आर नेक्स्ट अप्रोच में और उन्होंने मुझे बी ए वाला रोल ऑफर किया तो पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट तभी क्या रहता है बी ए थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो समझ में आया कि इसका स्किल्स तो मेरे साथ मैच करता है तो इंटरव्यू देके देखते हैं और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे आ रहे थे और उन्होंने जो रोल एक्सप्लेन किया दैट वाज परफेक्ट फिट फॉर मी एंड दैट्स द रीजन फिर मैंने डिसाइड किया तो अभी बी के लिए जाते हैं ऐसे करके फिर जर्नी स्टार्ट हो गई सीआर नेक्स्ट में बिजनेस एनालिस्ट डेढ़ साल काम किया उसके बाद में बिजनेस एनालिस्ट तो

ओके, okay, so बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली बीए को एक मिनी प्रोजेक्ट मैनेजर भी कहा जाता है अभी जनरली आप देखोगे तो टेस्टर का एक सेट रोल रहता है डेवलपर का एक सेट रोल रहता है डिजाइनर का एक सेट रोल रहता है बट बीए का ऐसा कोई सेट रोल नहीं है क्योंकि बीए हर जगह पे रहता है फ्रॉम राइट फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टिल दी एंटायर डिलीवरी हम लोग जब कस्टमर के सामने प्रोजेक्ट लाइव कर रहे हैं तब तक पूरा बी ए संभालता है सारे टाइम लाइन से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके रिक्वायरमेंट गैदरिंग सब कुछ सो so, बी के जो मेजर ड्यूटीज है दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये चार जो बी के इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है वो आपको पता रहनी चाहिए एक्जैक्टली exactly कैसे काम करती है नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन की क्या एक फ्रेशर को प्रिपेयर करना चाहिए टू गेट स्टार्टेड एज अ बी तो स्किल सेट तो ये जो मैंने चीजें बताई उसी के रिगार्डिंग होना चाहिए बट स्किल सेट कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट है बी ए hmm. अगर आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने आइडियाज जो है वो एक्चुअली सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो तो आपके काम नहीं बनेगा क्योंकि बी का, का काम ही ये है कि क्लाइंट हैंडल करने पड़ते हैं और क्लाइंट भी आप ग्राउंड लेवल पे नहीं हायर करोगे जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने जाते हो तो जो कम्प सामने वाला जो हमारा कस्टमर है उसके जो हायर डेजिग्नेटेड लोग रहते हैं उनके साथ बात करते हो टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट वीपी एवीपी इन लोग के साथ तो तभी अगर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो बात नहीं बनती सो कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कमिंग टू द अदर स्किल्स आपको एसक्यूएल आना चाहिए hmm. आपको कोडिंग नहीं आती दैट इज ओके बट थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है और अगर आपको एसक्यूएल आता है अगर आपको एक्सेल आता है तो दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड ठीक है एसक्यूएल एक्सक्यूएल और एक्सेल आपका स्ट्रांग होना चाहिए अदर देन दैट आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आना चाहिए जैसे कि जीरा रॉकेट लेन वगैरह बहुत सारे मार्केट में है सारे सिमिलर hmm. लाइन पे ही काम करते हैं सो so, एक भी आता है तो दैट इज इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड

डेफिनेटली डेफिनेटली ही कैन डेफिनेटली डू इनफैक्ट में मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हमारे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते है की हम लोग ने बी टेक किया है बट हम लोग ने सिविल में से किया है मैकेनिकल में से किया है विच आर नॉट नॉट टेक्निकल वन तो हम लोग जा सकते हैं क्या तो इसके ऊपर भी हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस वगैरह बना के रखे हैं हमारे पे बी ए प्रोफेशनल पे हम लोग वही गाइड करते हैं कि आप जस्ट आपको स्किल सेट होना चाहिए अपने आप और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए ग्रेट ग्रेट एंड दोष हिज ओन YouTube चैनल सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड इन केस आपको लाइक इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर करियर एज ए बी एनालिस्ट तो आप उनसे like, अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो तो यू कैन लाइक सिंपली क्लियर योर डाउट्स एंड लाइक गोइंग विद द फ्लो एंड तो आपका लाइक डेली रूटीन क्या रहता है या फिर लेट्स आपकी स्प्रिंट साइकिल कहाँ से लेट्स ए रिक्वायरमेंट गैदरिंग है तो आपका कैसा लाइक like, फ्लो कैसा रहता है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा दिन स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स विथ स्टैंड अप मीटिंग्स जो भी हमारे डेवलपर्स रहते हैं टेस्टर्स रहते हैं उनको बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली exactly कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और टास्क क्या है के आर एस डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट डेली हो गया वीकली हो गया मंथली हो गया सारी चीजें हमें करनी पड़ती है बिकॉज वी आर लाइक मेनी प्रोजेक्ट मैनेजर्स तो ये सारी डिलीवरी साइकिल्स मीट करनी होती है कस्टमर के प्रोजेक्ट्स मीट करने होते हैं तो ये सारी चीजें पहले मीटिंग में बतानी पड़ती है वो हो गया इंटरनल मीटिंग्स इज वन थिंग उसके बाद में कस्टमर के साथ हमारी मीटिंग्स होती है टू गैदर रिक्वायरमेंट्स अब लेट्स गिव एन एग्जाम्पल एक बैंक है जिसको उसका कोई तो प्लेटफॉर्म बनाना है ठीक है फ्रॉम आर कंपनी तो वो लोग हमें रिक्वायरमेंट देंगे इनिशिएट करेंगे प्रोजेक्ट सो वी बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट उनको विजिट देंगे उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे और इंटरनली फिर हमारे डेवलपर्स को बताएंगे कि एक्जैक्टली exactly क्या डेवलप करना है सो इंटरनल मीटिंग्स के बाद होती है क्लाइंट के साथ मीटिंग्स उसके बाद आता है काम टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का पूरा जो प्रोजेक्ट रहता है वो डॉक्यूमेंट करना एक बिजनेस एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉम क्रिएटिंग बी आर डी एफ एस डी टेस्ट केसेस रिलीज नोट सब कुछ एक बिजनेस एनालिस्ट बनाता है तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करना भी हमारी ड्यूटी होती है तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं और साइड बाय साइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करना पड़ता है कि कौन से टास्क कभी ड्यू है कभी डिलीवर करना है वो सारी चीजें कस्टमर को भी अपडेटेड रखना इंटरनली भी अपडेशन करना इंटरनल टीम मेंबर्स को कोई डाउट्स है तो वो क्लैरिफाई करना

राइट सो करियर प्रोस्पेक्ट जो है वो काफी अच्छा है एस पर मी फॉर बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल क्योंकि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे भी आगे करके जा सकते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो बोथ आर प्रिटी बूमिंग डोमेन्स प्रिटी बूमिंग अच्छा खासा करियर प्रोस्पेक्ट है इनका सो अगर आपने अच्छा खासा एक बिजनेस एनालिस्ट का बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है अच्छा एक्सपोजर आपको मिला है प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो स्पेसिफिकली अगर आपने प्रोडक्ट कंपनीज में काम किया है तो यू नो की हाउ प्रोडक्ट वर्क सो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स तो हाईली डिमांडेड है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी ब्रॉड है काफी ओपन है है. अगर आप एक स्किल्ड बिजनेस एनालिस्ट हो तो डेफिनेटली आप स्काई uh, रॉकेट कर सकते हो इन योर करियर दैट इज वन थिंग एंड अनदर थिंग इज कि इसका सैलरी या फिर ग्रोथ इज आल्सो गुड क्योंकि एज दिस इज अ कस्टमर फेसिंग रोल तो इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है ऐसे नहीं कि आपको पैसा कम मिलेगा सो दैट इज वन थिंग टू कंसीडर एज वेल हम्म हम्म एंड लाइक पहले क्या रहता था जितना मैं like, मुझे पता है के, आ, आपका जो डेवलपर है नॉट एग्जैक्टली डेवलपर बट एक बंदा रहता था वही स्क्रम मास्टर होता था वही बीए होता था है ना वही लाइक सारा वो मल्टीपल रोल करता था बट एज लाइक हमारा ये मेच्योर हुआ तो फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को समझ आया कि यार एक बी अलग रोल कितना जरूरी है है ना बिकॉज अगर आपका बी सही नहीं रहेगा ना तो फिर आपका डेवलपर भी सही से रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाएगा सेम गोज विथ टेस्टर तो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड है ना so, और ये रोल एक्चुअली आया ही तभी जबी में प्रोजेक्ट रेट काफी गैदर नहीं, तो नहीं कर रहा था बिजनेस एनालिस्ट करके एक स्पेशलाइज रोल आया जो स्पेशलाइज्ड है इन डूइंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड टेकिंग ओनरशिप ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट तो इसीलिए ये बूमिंग रोल है और काफी अभी इमर्जिंग भी है so, hmm. I highly recommend जो भी freshers सोच रहे हैं, जिनको जिनको नहीं 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 आती, आती लगता है कि coding नहीं आती तो कुछ नहीं हो सकता, that is not at all true. बहुत सारे ऐसे fields है, जैसे कि शैलेश भाई भी सॉफ्टवेयर टेस्टर है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड फील्ड जहां पे आप जा सकते हो एंड बिजनेस एनालिस्ट है ऐसे बहुत सारे फील्ड है जो यू शेड डेफिनेटली ट्राई आउट ग्रेट ग्रेट एंड लाइक मेरे साथ uh, मैं काफी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना लाइक कैरियर स्विच किया है फ्रॉम क्यू ए टू बी ए बिकॉज क्यू ए में भी क्या रहता है ना कि आपको रिक्वायरमेंट तो समझनी ही पड़ेगी है ना तभी आप उसको डेवलपमेंट ने जो डेवलप किया है उसके अगेंस्ट आप उसे टेस्ट कर सकते हो तो इसीलिए लाइक like, क्यू ए से बी ए स्विच करना कंपेरेटिवली ईजी रहता है तो उसमें right. आपको आप जानते हो किसी को जिसने ट्रांजेक्शन किया है या अगर आप कुछ टिप्स वगैरह देना चाहो डेफिनेटली जब भी सर्विस बेस्ड कंपनीज में अगर आप जाओगे ना तो वहां पे रिक्वायरमेंट यही रहती है कि एटलीस्ट तीन से चार साल का आपका क्यूए एक्सपीरियंस होना चाहिए नहीं तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना है तो इसी वजह से होता है क्योंकि क्यूए का कैसा है जब तक क्यूए भी रिक्वायरमेंट नहीं समझेगा तब तक टेस्टिंग नहीं कर पाएगा सो so अगर आपने ऑलरेडी तीन चार साल के लिए एज ए क्यूए का है तो कंपनी को वही रहता है कि ये बंदे ने ऑलरेडी काम किया उसको प्रोजेक्ट के बारे में पता है तो ही कैन ज्वाइन एज अ बिजनेस एनालिस्ट अभी आप कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिंग अ टेस्टिंग आती है वॉट यू नीड टू फोकस ऑन इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्जैक्ट अभी चार साल काम किया है तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता है कौन से फेजेस रहते हैं क्या क्या चीजें हाँ। होती है प्रोजेक्ट में राइट right? सो so, वो भी एक क्लियर होता है आपके लिए सो दैट इज वन एडेड एडवांटेज एज वेल तो बस स्किल सेट सीखना है टूल सीखने हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना, करना है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है दीज आर दी ओनली फोर थिंग्स जो आपको फोकस करनी चाहिए क्योंकि बीए का जो इंटरव्यू है वो ज्यादा टेस्टिंग के ऊपर नहीं होगा वो बिजनेस एज वेल एज टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे होगा आपको एसक्यूएल वगैरह के बारे में पूछा जाएगा आपको बिजनेस कैसे काम करता है कस्टमर हैंडल कैसे करते हैं प्रोजेक्ट के डिफरेंट मेथोडोलॉजी लाइफ साइकिल ये सारी चीजें पूछी जाएंगी तो ये सारी प्रिपेयर करना है आपको बिग अप बाद में फिर बी के रोल के लिए आपको अप्रोच करना है और hmm. क्या इसमें लाइक जो पीएमपी जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो सर्टिफिकेशन होता है या सीएसएम सर्टिफाइड स्कम मास्टर एक सर्टिफिकेशन होता है तो क्या ये हेल्प करता है आपको श्योरली हेल्प करता है यस okay. yes, ये बहुत ज्यादा हाईली रेकमेंडेड सर्टिफिकेशंस है जब सबसे पहले तो आई आई बी एसी बी ए सी इंपॉर्टेंट है, ECBA, ये सारे बहुत है अगर आपको में आगे करना है तो ये रेगुलर इंटरव्यूल्स पे आपको करना चाहिए एंड ऑल्सो सी एस एम पी एम पी ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेशन है सो तो अगर ये भी आपने किया तो ये आपके रेज्यूमर के ऊपर वैल्यू एडिशन रहेगा स्पेसिफिकली अगर आप डोमेन स्विच कर रहे हो अगर आप डेवलपमेंट में से बी ए बन रहे हो अगर आप टेस्टर में से बी ए बन रहे हो तो आपको ये सर्टिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेट ग्रेट एंड ये लाइक like कितने एक्सपीरियंस के बाद एक बीए के लिए परफेक्ट रहता है आप थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तीन से पांच साल का उसके बाद में आप सर्टिफिकेशन से लेना स्टार्ट कर सकते हो पीएमपी का तो ऑलरेडी फाइव इयर्स का एक्सपीरियंस लगता ही है एज पर एज माई नॉलेज गलत भी हो सकता है मैं मैंने खुद रिसर्च किया नहीं अभी तक ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन okay. के बारे में बट डेफिनेटली थ्री टू फाइव ईयर्स इज दी टाइम फ्रेम जब भी आपको सर्टिफिकेशन पिक करने चाहिए जो आई के सर्टिफिकेशन है जैसे कि ईसी वगैरह वो तो आप स्क्रैच से भी कर सकते हो तो वो hmm. अगर आप स्टार्टिंग में ही करते हो तो दैट विल करनी चाहिए सो देट आपका रेज्यूम इम्प्रूव हो रहा है आपको करियर में भी स्विचिंग के टाइम पे भी आपको हेल्प करेगा वो चीज ग्रेट ग्रेट एंड लाइकल वर्ड फाइनल लाइक आपका कुछ एडवाइस डेफिनेटली सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस फॉर ऑल दी फ्रेश की आपको जब भी आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो ये सबसे बड़ी मिथ है कि आपको डेवलपमेंट आना इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको कोडिंग आना इम्पॉर्टेंट है अगर कोडिंग नहीं आती तो आपका कुछ नहीं होगा दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू सो आपको आपके पैशन को फॉलो करना चाहिए आपको खुद को पहले देखो कि आपको क्या आता है अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो बहुत सारे कस्टमर फेसिंग रोल्स है जिसमें आप जा सकते हो अगर आपको कोडिंग नहीं आती बट मिनिमल आती है बट आपको चीजें बग्स फाइंड आउट करना इश्यूज फाइंड आउट करना पसंद है तो टेस्टिंग इज अ गुड करियर है वेल अगर आपको चीजें बनानी आती है तो डेवलपमेंट में जाओ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है प्रेशर so, लेना नहीं है जस्ट गो विद द फ्लो बहुत सारे रोल्स है एक्सप्लोर करने हैं जस्ट गेट स्टार्टेड एंड डेफिनेटली अगर आपको बी ए बनना है तो जो मैंने अभी स्किल सेट्स बताए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स टूल्स सर्टिफिकेशन ये सारी चीजें करो अगर इसके अलावा भी कुछ हेल्प है तो बी ए प्रोफेशनल चैनल यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वी कैन गाइड यू टू गेट स्टार्टेड एज अ बिजनेस एनालिस्ट बहुत सारे विडियोज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है ऑल्सो आई डू टेक ट्रेनिंग्स एज वेल मैं कंसल्ट भी करता हूँ तो तभी भी मैं आपके क्वेरीज सॉल्व कर सकता हूँ सो हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गेट स्टार्टेड एज अ बिजनेस एनालिस्ट बिकॉज इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है हाँ.

आशुतोष चैनल बी ए प्रोफेशनल एंड अगर आपको कोई भी डाउट है दें सिंपली पिंग यम एंड हिल शार्ली हेल्प यू आउट सो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू आशुतोष फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड इट वाज अ अप्लेज़ थैंक यू सो मच शैलेश फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल आई होप दिस वीडियो इज